हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पून्स ऑफ संगीता में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिली मशरूम। और इसके सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। इसके लिए हमने मशरूम ली है, इनको अच्छे से धो करके और हमने ऐसे पीसीज में इनको कट कर लिया है। हाफ हाफ, जो जैसे छोटे हैं तो उनको हमने हाफ में किया है, जो थोड़े बड़े हैं उनको हमने 3 पीसीज में ऐसे कट कर लिया है। और इसके लिए ये हमने 250 ग्राम मशरूम ली है, तीन हमने ये शिमला मिर्च लिए, इनको भी हमने ऐसे ही टुकड़ों में थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। और ऐसे ही ये प्याज को भी हमने थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। 8 से 10 हमने इसमें गार्लिक और थोड़े सी अदरक, उसको भी बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। 3 हरी मिर्चें, इसको हमने स्लिट करके बीच में से इनको भी रेडी करके रख लिया है। और इसके लिए ये हमने लिए हैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच मैदा। इसका हम एक पेस्ट स्लरी बनाएंगे जिसमें हम ये मशरूम को डिप करेंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच टमाटो केचप, और ये हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। इसका हम बाद में स्लरी बना करके उसकी थिकनेस के लिए उसमें ग्रेवी में यूज़ करेंगे। और शेजवान सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, वाइट विनेगर और कुकिंग के लिए ऑयल। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे और इसमें हम ये 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच मैदा, इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें ये हमने 1/2 चम्मच के करीब, उससे थोड़ा सा ही कम नमक और काली मिर्च 1/2 स्पून ये हमने इसमें डाल दिया है। और इसको अब हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हम एक पेस्ट तैयार करते हैं जिसमें हम ये जो मशरूम है उनको कोट कर लेंगे। इसका हमको बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक, ताकि ये हमारे मशरूम को अच्छे से कोट करके, ये देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे थोड़ा सा फ्लोई है बट ठीक है। अब हम इसमें ये सारे मशरूम डाल देंगे और इनको अच्छे से कोट कर लेंगे। तो हम 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और तब हम उधर कुकिंग ऑयल डाल करके पैन में और गर्म होने रख देते हैं। ये हमने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें मशरूम को फ्राई कर लेंगे। तो ये अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें चेक करने के लिए एक मशरूम डाला था। अब हम इसमें धीरे धीरे करके ये सारे जो मशरूम हैं इनको फ्राई कर लेंगे बहुत ही जल्दी। और ये बहुत ही टेस्टी सी हमारी रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। ये अब ऐसे हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं, बस हमारे को इनको इतना ही फ्राई करना है। और अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। और हम इसी पैन में से ये एक्स्ट्रा ऑयल थोड़ा सा निकाल लेते हैं और फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब इसमें ऑयल रहने दिया है। और सबसे पहले हम इसमें ये गार्लिक और अदरक इनको डाल देते हैं, इनको थोड़ा सा हम भून लेते हैं ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और ये रेसिपी देख रहे हैं, अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये अब हो गए हैं, अब इसी में हम ये स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज डाल देते हैं, साथ ही में हम ये शिमला मिर्च और प्याज, इनको भी हम 1 से 2 मिनट फुल गैस पर हम इनको भी थोड़ा सा लेते हैं 1 से 2 मिनट। बस अब ये हमारी जो सब्जियां हैं दोनों, शिमला मिर्च और प्याज, इनको हमारे को और ज़्यादा नहीं पकाना है, बस
इतना ही। अब ये हो गए हैं, गैस हम सिम कर देते हैं और अब हम धीरे धीरे करके सारी सॉस इसमें ऐड कर देंगे। ये इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच शेजवान सॉस, 2.5 चम्मच हमने इसमें डाल दिए। ये 2 चम्मच हम इसमें केचप यूज़ करेंगे। अगर आपके पास शेजवान सॉस नहीं है तो आप इसमें रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं, रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। दो चम्मच हमने इसमें ग्रीन चिली डाली है, वो आप सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल रहे हैं और 1 ही चम्मच हम इसमें ये विनेगर हमने ऐड किया है। वैसे तो इन सब सॉस में थोड़ा सा सॉल्ट होता है, पर फिर भी हम थोड़ा सा सॉल्ट 1/4 स्पून के करीब सॉल्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और अब ये जो हमने कॉर्नस्टार्च की जो स्लरी बना करके तैयार की थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अब हम थोड़ा सा पकने देते हैं और साथ ही में हम इसमें मशरूम भी ऐड कर देंगे और 2 मिनट हम इसको ढक करके पका लेते हैं। तो ये देखिए, ये अब हमारी ये हमारा चिली मशरूम बन करके तैयार है और अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए, ये अब हमारा चिली मशरूम मिनटों में ही बन करके तैयार है। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप तो मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर।